हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 12 कॉमर्स। वी आर स्टडिंग द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे आवर टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, पार्टनर जब न्यू एडमिटिंग पार्टनर होता है तो वो फर्म में गुडविल भी लेकर के आता है कैपिटल के साथ साथ। तो कैपिटल के साथ साथ जब गुडविल लेकर के आता है तो उसके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ एडमिशन। तो इसको तीन तरीके से यहाँ पे थ्री सिचुएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सेकंड कंडीशन है, द न्यू एडमिटिंग पार्टनर ब्रिंग द गुडविल इन कैश। और थर्ड है, व्हेन द न्यू एडमिटिंग पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो आज हम फर्स्ट वाले टॉपिक का, फर्स्ट और सेकेंड का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का है, व्हेन द गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली। मतलब अगर प्राइवेट वे में अगर गुडविल की अमाउंट को पेड किया जा रहा है आउट ऑफ बिजनेस, तो इसकी कोई भी एंट्री बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाए, क्योंकि बिजनेस से बाहर उसका पेमेंट किया जा रहा है। पेमेंट पेड प्राइवेटली, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन हम लोग का आ जा रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash, ठीक है। When the new admitting partner bring his share of goodwill in cash, there may be the two situation. First of all, goodwill is retained in the business. Goodwill को business में retain किया जाएगा, goodwill के amount को, and the goodwill amount is withdrawn by the old partner. और इस condition में, second situation में, goodwill का जो amount है old partner इसको withdrawn करने वाले हैं। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट वाले केस का ट्रीटमेंट है, व्हेन द गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। जब गुडविल को हम लोग बिजनेस में रिटेन करते हैं तब क्या होगा, द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द, इन केस द अमाउंट, गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जब रिटेन करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको हम लोग उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन होगा, गुडविल पहली बात हमारे बिजनेस में आने वाला है। तो बिजनेस में जब गुडविल आएगा तो कैश या बैंक के थ्रू आ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सोर्स ऑफ हमारा जो कैश का है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड हमारा क्या एंट्री बनेगा, अब इसको ओल्ड पार्टनर, क्योंकि इसको गुडविल को रिटेन करना है तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में, व्हेन द गुडविल अमाउंट इज विथड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब इस सिचुएशन में गुडविल के अमाउंट को अगर ओल्ड पार्टनर क्या करें, विड्रॉल कर लें, उस कंडीशन में क्या, तो पहला दूसरा जनरल एंट्री पहले वाले की तरह कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड, ये जनरल एंट्री हमारी एक्स्ट्रा जनरल एंट्री लगेगी, इसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके, तो इन तीन सिचुएशन में जनरल एंट्री हमारी की जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज जो किया है वो, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज प्राइवेटली, तो इस कंडीशन में नो एंट्री होगी। और सेकंड सिचुएशन में, व्हेन द न्यू एडमिटिंग पार्टनर ब्रिंग द गुडविल इन कैश। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग इस पे एक इलस्ट्रेशन को समझते हैं। तो मैं इलस्ट्रेशन आपके बुक से ही लेने वाला हूँ। अब इसमें देखें, एक्स वाई आर द पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 में। दे एडमिटेड द जेड इन टू द पार्टनरशिप विद द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम द एक्स एंड वाई। जो जेड है वह इक्वली किससे लेने वाला है, 1/4 शेयर अपना एक्स और वाई से इक्वली वो
कंट्रीब्यूट कराने वाला है। ही ब्रिंग्स 1,65,000 एज इज कैपिटल एंड 30,000 एज द गुडविल। ठीक है, 1,65,000 एज ए कैपिटल लाने वाला है और 30,000 एज ए गुडविल लेकर के आने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसका देख लेना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट द जेट का शेयर क्या है, इस 1/4 है विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम द एक्स एंड वाई। तो जेट गेट कैसे करेगा, जेट कैसे पाने वाला है, 1/2 of 1/8 जो उसका 1/4 है उसका 1/2 वो किससे लेने वाला है, एक्स से, फ्रॉम एक्स से। तो इसका हो जाएगा 1/10 1/8 हो जाएगा। एंड जेट गेट ही शेयर फ्रॉम वाई, वाई से वो कितना लेने वाला है, 1/2 of 1/4। ठीक है, 1/4 का 1/2 किससे लेने वाला है, वह एक्स से लेने वाला है और वाई से लेने वाला है, यानी कि 1/8 वह दोनों से लेने वाला है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका, एक्स का पुराना जो शेयरिंग रेशियो था 2:3 था, तो 2:3 अगर करें, 2:1 का इनका रेशियो है एक्स और वाई का, तो इस कंडीशन में 2/3, और ये तो एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा 1/8, 1/8 माइनस कर देंगे तो इनका रेशियो आ जाएगा 13/24। इसी तरीके से 1/3 माइनस कर दें, 1/8 जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 5/24। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 13/24 5/24, और इसको 1/4 को अगर इक्विलेट करेंगे तो 6/24 हो जाएगा। तो इसलिए वो न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 13, 5 और 6 का न्यू रेशियो हो जाएगा। अब हम लोग देखें इसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000 टू कैपिटल, जो कैपिटल के रूप में ला रहा 1,65,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000। ठीक है, तो इस कंडीशन में गुडविल को रिटेन करना है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 से, जो कि वो 30,000 ला रहा है, और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 15,000, क्योंकि वो दोनों इस कंडीशन में इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली 1/8 ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स भी और वाई भी 1/8 कर रहा है, यानी कि 1:1 का रेशियो बन रहा है इस कंडीशन में। दोनों को इक्वली उनके अकाउंट में कैपिटल में गुडविल के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों ने इस इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझ लिया होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा when the new partner does not bring goodwill in cash. ठीक है, till then goodbye. Restraint.